धन्यवाद सभापति महोदय. मुझे आपने अभी चार मिनट कहा सभापति महोदय, मैं संकोच में आ गया. अदरवाइज यू कैन पे पांच मिनट. हम एक कभी से मैं बैठे बैठे सुन रहा था, जय जवान जय किसान का एक नारा लगा था. सभापति महोदय, जवान देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं. और यहीं पे हम पिछली बार एक बार बहुत लेट से बैठे थे, तभी एक सवाल उठा था कि भाई खाना नहीं पका है और हमारा किसान जो है वो खाना हमें पेश कर रहा है. उस अन्नदाता के लिए मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. महोदय, कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में किसानों की 193 पे चर्चा 15वीं लोकसभा में भी हुई, 16वीं में भी आई. एक मेरी मान्यता एक ये चलती थी 193, मैंने अभी बैठे बैठे उसका टोटल मारा, उसका टोटल 13 होता है. 13 हमेशा अपशकुनियाली होता है, उसका कभी वो सुकून नहीं देता है. इसलिए शायद किसानों को राहत ऐसे नहीं मिली है. मैंने पिछली बार बहुत देखा, अभी वहां से हुड्डा जी बोल रहे थे, यहाँ पे हुड्डा जी एक बार बैठे थे, उन्होंने 2 फीट का आलू गिनवा दिया था. अभी चले गए मेरे मित्र. पिछली बार जब मैं वहां पे बैठा था महोदय, तब ये सब बात कर रहे थे. जब हम बात करके बोलते थे किसानों के बारे में, तो यहां से रिप्लाई आ रहा था नहीं हम कर रहे हैं. आज वही वहां से बोल रहे हैं कि किसानों के लिए ये लागू करो, वो लागू करो, ऐसा करो. अरे भैया, 10 साल 60 साल तुम वहां बैठे क्या किया वो तो बताओ. जरूर किसानों के लिए सबको मिलकर बोलने की बात है, सबको मिलकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है. और आज की तारीख में उस अन्नदाता की हम बात यहां पे करते हैं, लेकिन उस अन्नदाता के फायदे के बारे में कोई नहीं सोचता है. सिर्फ यह सोचता है कि मैं यहां बोलूंगा, उस बोल के उसके बाद में मेरे क्षेत्र में बढ़िया मैं कैसेट दे दूंगा, मेरे क्षेत्र के अंदर बढ़िया फोटो छप जाएगी और उसमें मेरे अन्नदाता को खुश कर दूंगा. महोदय, कहां गया? आज हम बोल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस टाइम पे एक नारा दिया था जब भयंकर अकाल गिरा था. एक टाइम खाना खाने के लिए मना किया था और उस किसान को यह कहा था कि आप 2-2 फसल उगाओ, 3 फसल करो, ताकि ये देश जो है ये देश आपदा से बचे, देश बच सके. और हमारा वो किसान, उसने उस वादे को पूरा किया, उसने धान उगा के दिया. लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज भी उस किसान को, आज भी ठग रहे. बैठे हैं यहां पे, बैठ के हम बात कर रहे हैं नौकरियों में. 6ठा वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग लगा, लेकिन किसानों का न्यूनतम मूल्य कहां पहुंचा वो कोई नहीं बोलेगा. जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों से नदियों को जोड़ने की बात की थी, वो हकीकत में किसानों के हित की बात थी. आज किसान को पानी चाहिए, आज किसान को अपने खेत को सिंचित करना है. जो धान उगा के एक टाइम भूखा रह के आप तक धान पहुंचाता है, जितने भी मेरे मित्र यहां बैठे हैं महोदय, कोई भी बोल रहा, अभी जैसे पीछे वहां से बोले किसान है. अरे भैया, यू कैन सजेस्ट, गिव सजेशंस, यू टेल व्हाटएवर. सजेशन नहीं महोदय, यही तो दिक्कत है ना. किसान की बात करें तब यही आ जाता है, चेयर से भी आदेश आ जाता है. महोदय, मैं मेरे टाइम में बोल रहा हूँ, अगर टाइम में आपको कोई समस्या आ रही है तो ठीक है, फिर मैं छोड़ देता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है. मेरे किसान के लिए हम जो करना है हम तो करेंगे. महोदय, वीरेंद्र जी को भी साथ में यही आपने कहा था कि आप सजे. अरे महोदय, हम वही तो बात कर रहे हैं, उसकी समस्या कहाँ है, जड़ कहाँ है. यहाँ पे आंकड़े गिनवाते आप, जीडीपी ये वो सब आंकड़े गिनवाते हो. महोदय, आपको पता है, प्लीज सर, आपको पता है समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है, जब किसानों का धान वहां पे बाजार में जाता है, बाजार में जब ऊंचे भाव पे जाता है, तब किसान अपने खेत में वो चीज डालता है. जब प्याज 80 रुपए पहुंचता है, तब किसान बोलता है मैं प्याज उगाऊंगा, मेरी बेटी की शादी करूंगा, मेरे घर के अंदर मैं रौनक लाऊंगा, मेरा मकान बनाऊंगा. जब प्याज बाजार में आता है तब उसकी कीमत 2 रुपए किलो होती है. महोदय, टोमेटो हमारे वहां पे होता है, 40-50 रुपए किलो टोमेटो का भाव पहुंच जाता है. जब टोमेटो नीचे जाता है तब किसान का टोमेटो बाजार में आता है, वो बिचौलिए सब खा जाते हैं. हमारा यही निवेदन है, अगर बैठ के अगर हमें कुछ करना है तो हम ये सोचे कि किसानों का जो उत्पादन है वो डायरेक्ट उसको पहुंचे. आज आपके चने की दाल, चना साहब आप बाजार में ले जाते हो और उस चने को 12 रुपए किलो ले जाते हो, वहां जाके आपका चना 36 रुपए हो गया. वो दाल में परिवर्तन होता है जब 1 रुपए किलो खर्चा आ रहा है, लेकिन कोई नहीं सोचता है. एक किसान मर गया बुंदेलखंड में, एक किसान मरा. वो क्यों मरा? 80,000 रुपए खाली लोन के लिए. महोदय, 80,000 रुपया, और वो किसान तो मर रहा है लेकिन पीछे उसका लोन पीछा नहीं छोड़ रहा है, और उसका 35 साल का बेटा वो भी मर गया. मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, सदन से पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं हम लोग?
हम ये अगर किसान की बात करनी है, गुजरात का मॉडल की हम बात करेंगे तो अभी हमारे मित्र सामने बैठे शायद कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं उस गुजरात के पड़ोस में रहता हूं, मैं जालौर क्षेत्र से आता हूं, वो गुजरात डार्क जोन था, उस गुजरात के अंदर सुजलम सुफलम डाल के सीएम नरेंद्र मोदी थे, तब उन्होंने उस डार्क जोन से हटा के वहां पे पानी लाके दिया और आज मेरे क्षेत्र में भी नर्मदा का पानी आता है, मेरे क्षेत्र में भी सिंचाई हो रही है, जो राजस्थान रेगिस्तान हम कहते थे। लेकिन मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं कृषि मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, आप बोल रहे हो पांच मिनट में खत्म करो सभापति महोदय, हम तो दो मिनट में कर ले, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे हम, अगर सदन को करना है कृषि मंत्री महोदय से भी हम कहेंगे नदियों से नदियों को जोड़ने का काम करिए, अगर आप हर खेत को पानी देंगे, अगर आप किसान की जो फसल है उस फसल को डायरेक्ट आप महोदय किसान की घंटी तो मेरे को एक ही काम करना पड़ेगा, मैं क्या है कि थोड़ा ज्यादा जोश में बोल रहा हूं, नहीं नहीं मेरा ऐसा है, मेरी आदत है, लेकिन ये घंटी बजाते मेरे को तकलीफ हो जाती है। महोदय धरती रो सीनो चीण जिको हरियालो सोनो निपजियो सदिया सु सगड़ी धरती रो जो अन्नदाता कहलावे अड़ियो हाक तो खेत में जीवन भर हार्ड गाड़ियो दिन रात अभाव में जीतो अध भूखो रही होने क्यों सोवे यक्ष प्रश्न अगर सुलझानो है पेलो देश चलावणियो ओज पीड़ा अब धर्म पंच पधारना कौन जानियो दर्द किसानों रो मारा भाई अगर दर्द किसानों रो जानो वे तो कहने 9,000 10,000 ओ नियाले साहब एक ही जे अगर किसान ने धन बोना बंद कर दिया तो सोने चांदी और रुपयों से पेट नहीं भरेगा सभी सांसदों का और व्यापारियों का। जब फाइव स्टार होटल में ओबेरे में जाते हैं सभापति महोदय 2500 रुपए की डीश देता है, एक पिज्जा लाके रखता है उसमें से एक पीस लिया बाकी का कचरे में फेंक देता है और मेरा किसान भूखा सो रहा है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये सारी व्यवस्था बिठानी है तो किसान को सिंचित के लिए पानी देना होगा, उसका जो न्यूनतम मूल्य हमें निश्चित करना होगा, उसको जो खेती में उसकी जो लागत आ रही है उससे उसको 150 गुना पैसा देंगे तब जाके वो किसान सुरक्षित होगा। अगर बीमा में हमारी फसल जल जाती है, मेरे वहां राजस्थान के अंदर आज मेरे सांचौर जालौर के अंदर इस सब गोल घोड़ा जीरा सब खत्म हो गया, अगर उसको बचाना है तो जो खत्म हुआ है वो डायरेक्ट बीमे से पैसा पूरा जाए, उसको एक रुपया कर्जा चुकाना ना पड़े, तब जाके हमारा किसान बचेगा। इसीलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि अगर हम सब मिलकर करना चाहते हैं तो यही काम करें कि किसान को बचाएं, नहीं तो ये देश खत्म हो जाएगा। जैसा यूपी में एक बच्ची ने कहा था क्या